Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले अपनी इमली डाल दी है भिगोने के लिए। तो आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। स्पेशल तो नहीं है, काफ़ी बार बना चुकी हूँ लेकिन काफ़ी टाइम बाद बन रहा है मेरे घर पर। तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल इसलिए हो गया है। और फिर यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत जो है सब्ज़ी मंगानी थी तो मैंने नकुल को भेजा बाज़ार, फिर उससे ही मंगाई है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसके बिना तो भैया कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरे सुबह नाश्ते का जो काम था वो सब कुछ हो गया है, सिर्फ खाने पीने का रह गया। और हाँ, आप सबको मैं बता दूँ, आज है 15 जून और केशव का है बर्थडे। तो उसने अपने बर्थडे पे बहुत सारी फरमाइश की थी कि मम्मी ये बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताती नहीं हूँ, सुना ही देती हूँ कि क्या क्या उसकी फरमाइश थी। क्या क्या बनवाना है बर्थडे में, पार्टी में? कुछ भी, अब कुछ भी। कल तो बड़ा गया था। हाँ, कल तो बहुत सारे आइटम गिना दिए थे ना मुझे, अब बता। क्या दोबारा बोल दे, नहीं। बोल दे दोबारा, फिर तभी तो मैं भूल गई कि क्या क्या बनाना, बता दे। कैसे भूल गई? याददाश्त कम है ना मेरे, इसलिए बता जल्दी से। करो, बादाम खाया करो। बादाम से चली गई, मैंने बादाम ज्यादा खा लिए ना इसीलिए चली गई है। ज्यादा खा लिए, खत्म हो गए वो, मैंने खा लिए ना सारे। अब जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता। कुछ भी, रोटी सब्जी बना दूं? तो तूने कहा था ना कुछ भी। रोटी सब्जी नहीं, पहले तो पराठे बना दूं? नहीं, तो रोटी नहीं पराठे बना दूं, दाल चावल बना दूं? सारी सब्जी वो मत बनाओ, रोटी रोटी। अभी तो तू नहीं होगा, नहीं अभी तू नहीं होगा, कुछ भी बना। तो दाल चावल तो अभी तू नहीं तो बोला कर, कुछ भी बना दो। अब जल्दी बता क्या बनाना है, जल्दी बता अपने मुंह से। बाहर की चीज बना देना, वो बाहर से आए। बाहर से आए, बाहर देखा अभी मैंने घिया बनाया, मंगाया काशी फल बनाया, पूरी बना दूं? पूरी नहीं, मत बनाओ। तू क्या हंस रही है? जल्दी बता, अपनी मर्जी से बता, नहीं तो मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, अगर दोबारा नहीं पूछूंगी ना बनाऊंगी नहीं फिर कुछ भी। जल्दी बता, पिज्जा और बना? हाँ और बता जल्दी से, और 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 एक आध चीज और रह गई है तो बता दे याद करके। और रह गई एक आध चीज तो देख ले, फोन में देख ले सर्च करके कहाँ का सामान रहेगा। और छोले भटूरे ले, एक नवाब ने ये बता दी, छोले भटूरे नहीं आ रहा। इतने आइटम गिना दिए क्या पता नहीं है ना, 10-12 आइटम गिना देने से, 10-12 आइटम। अब इसे ये नहीं पता कि 10-12 आइटम गिनाने से इतने बनने वाले तो है नहीं है। जो मुझे बताए उसमें से दे पहले मम्मी बुलाई दे रही, उसमें से एक आधी आइटम बनने वाले हैं बस। और मैं इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि एक तो गर्मी इतनी हो रही, बनाने को तो कोई बात नहीं बना सकते ना, गर्मी इतनी हो रही है और बच्चे खाएंगे तो फिर नुकसान भी करेंगे। नो आइटम बताया इसने। और सब्जी लेने भेजा था ना, आप आलू भूल गए, आलू की सबसे ज्यादा जरूरत है, आलू भूल तो और दूसरी दुकान से तो ला सकता था। नाम तो पता नहीं, आलू के नाम ही ना पता। मैंने जब इससे बोले थे 20 रुपए किलो वाले लाने, अब इसे नाम बताओ आलू के, 20 वाले बोले थे ना मैंने। उल्टे सीधे से कैसे होते हैं, आ रहे चले से थोड़े गंदे से ही होते हैं, धुल जाते हैं आके। ओ बेटा नीचे कैसे याद कर, जल्दी बताओ, सुन जाना। चलो तो सुन लिया ना आप लोगों ने कि कितनी सारी फरमाइश की थी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू की कचौड़ी सुबह नाश्ते में, और वैसे हल्का पुल्का नाश्ता कर लिया था लेकिन नकुल ने बोला कि मम्मी बर्थडे वाले दिन आलू की कचौड़ी या फिर समोसे ज़रूर बनाना।
तो मैंने कहा समोसे तो बहुत ज़्यादा हैवी से हो जाएंगे तो कचौड़ी ही बना देती हूँ। और गर्मी का तो भैया कुछ पूछो ही मत कि कितनी गर्मी हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी की वजह से। तो बस इधर मेरी कढ़ाई में जब तक कचौड़ियाँ सिकेंगी उधर मेरे जो है लगे हाथ बर्तन भी धोती जाऊँगी, साफ़ हो जाएंगे। और लगे हाथ सारे काम करते जाओ ना तो जल्दी काम निपट जाता है। और हाँ, अगर कुकर बर्तनों के साथ कुकर रखा हो ना तो सबसे पहले भैया मुझे कुकर धो के हटाने की पड़ती है कि सबसे पहले भैया सिंक में से कुकर हटा दो धो माँज कर, क्योंकि फिर बर्तन बहुत सारे और जगह भी नहीं बचती, बहुत सारे भी लगते हैं बर्तन के, कितने सारे हो गए हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले कुकर को हटा देती हूँ। और पता है यहाँ पर क्या हुआ, पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा कि कचौड़ी मैंने एक ही कढ़ाई में इतनी सारी डाल दी कि देख लो पलटना भी मुश्किल हो रहा था, बहुत सारी हो गई थी एक ही कढ़ाई में। मेरा पता नहीं कहाँ ध्यान था, मैं भरती जा रही थी, बनाती जा रही थी और डालती जा रही थी, फिर बाद में ध्यान आया हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया। अब मैंने कहा डल तो गई है भैया, निकाल तो सकते नहीं है, चलो ठीक है आराम आराम से सीख ही जाएंगी फिर। और हाँ, जितने केशव ने आइटम बताए हैं खाने में उसमें से सिर्फ दो ही बनेंगे और कुछ नहीं बनने वाला। उसने बता तो दिए हैं कि भैया मम्मी ये बनाना मम्मी वो बनाना, मैंने कि कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ दो ही आइटम बनेंगे बस। तो यहाँ पर ना जब तक कचौड़ी और सिक रही है तो मैं अपने लगे हाथ दूसरा काम भी निपटाती जा रही हूँ साथ के साथ। और चलो बता देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ। फिलहाल तो मेरा इरादा था डोसा बनाने का, फिर बाद में इरादा हो गया कि चलो भैया इडली भी बना देते हैं, क्योंकि सांभर तो बनेगा ही बनेगा तो इडली भी बना देंगे तो दोनों मतलब बच्चे खुश हो जाएंगे थोड़ा बहुत। और वैसे तो बहुत कुछ बन भी जाता अगर जैसे कि सर्दियाँ होती, मौसम अच्छा होता तो बहुत कुछ बन जाता। अभी भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये देखो हमारी लाडो आई है, सारा मतलब ये आती है ना तो सारा सामान इधर उधर उथल पुथल करके रख देती भैया। और ये जो खिलौने हैं ना, अब आप कहोगे कि भैया मेरे घर पे लड़की तो है नहीं, खिलौने कौन खेलता है, कोई नहीं खेलता, बस बच्चे जो बाहर से लेकर आते ना चीज़ वगैरह लेकर आते खाने के लिए उन्हीं में निकलते हैं। और फिर यहाँ पर जो है गुड्डन बोल रही थी कि मैं बनाऊँगी इडली, मैंने कहा ठीक है भैया बना ले, तो उसी ने सारी इडली बनाई थी, दो चार डोसा भी बना दिए थे। और वैसे ना मैंने खास किसी को बुलाया नहीं है क्योंकि इतनी जोर की नहीं मना रही हूँ मैं, बस हल्का पुल्का बच्चों के लिए मन बहलाने के लिए उनका केक कटवा दूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। वैसे दो लोगों का बुलाने का इरादा था मेरा, फिर मैंने कहा छोड़ो जब उनको आने का टाइम ही नहीं है, छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, पेपर चल रहे, तो फिर फ़ायदा ही क्या है, अगर ज़्यादा ज़िद करो तो डांट भी पड़ेगी फिर मुझे, इसलिए मैंने फिर ज़्यादा ज़िद नहीं की है। और यहाँ पे लगे हाथ किचन भी साफ़ हो गई और सांभर भी मैंने अपना बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है खदकने में, बनने में कम से कम एक डेढ़ दो घंटे तो लग ही जाते हैं। ये देखो अभी ये खिलौने से इसका मन भर गया, अब इसे ढोलक बजानी है भैया, ये मेरा पूरा घर का उथल पुथल करके ही जाती है। आशीर्वाद मांगने से थोड़ी ना मिलता, अपने आप मिलता है। यो कहता कल आई फोन लाऊंगी। आशीर्वाद दे नहीं ढंग से बोल लो। भाई ऐसी बोल ले ले ले। आशीर्वाद भी जबरदस्ती मांगो जा रहा, आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे। मांगने से नहीं मिलता, अपने आप मिलता है। मांगने से नहीं मिलता। आशीर्वाद नहीं दिया लाडो ने। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। जाको बटाई है मेरे को छोड़ी वो। हाँ जाको बटाई तो तू मत दियो। टॉपी जाके मंगवाओ। टॉपी जाके चच्चे मंगवाओ। ठीक है। सबको एक एक दुआ। ठीक है। कितने सुंदर से किन्ने बना दिया। लाडो। किन्ने कर दिया जी किन्ने? ऐसा होता है ना कि जब घर में कुछ अलग चीज़ बने, रोटी सब्जी को छोड़ के कुछ भी और अलग आइटम बने तो बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है और जल्दी भी लगती है। ऐसा ही हुआ था मेरे घर पे भी। अब जैसे ही उनको पता चलता है कि भैया डोसा बन रहा है और बनने का टाइम होने वाला धीरे धीरे, वैसे ही बच्चे को भूख भी लगने लग गई। मैंने कहा चलो भाई बनाना तो है ये बना ही देते हैं, शाम के वैसे भी 5:30 का टाइम होगा। और इस डोसे की रेसिपी जो है मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है बहुत पहले, लेकिन किसी ने मुझसे बोला था कि न्यू वीडियो अपलोड करना है डोसा की। मैंने कहा जब बना ही रहे तो चलो भैया शूट कर ही लेते हैं और डाल ही देते हैं। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक दो दिन पहले ही जो है वीडियो डाल दिया है डोसा का। और आपको एक बात और बता दूँ, ये वीडियो जो है आपको 20 तारीख को मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा नहीं मैं बहुत लेट हो गई हूँ वीडियो डालने के लिए,
करा क्या जाए भैया, इतनी गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा कूलर पंखे बंद करने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। अब कूलर पंखे बंद नहीं होंगे तो भैया वीडियो एडिट कैसे होगी आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए जो है वीडियो आ नहीं पाई है। और लो जी हमारी थाली लग के तैयार हो गई है। बहन एक बार आता तुम कहाँ तो फोन करते पहले बस इन दोनों की कमी थोड़ी महसूस हो रही थी जो कि वो पूरी भी हो गई है। और दीदी देखो जीजी ने कपड़े भेजे हैं जो कि केशव के नहीं आए, सीधा नकुल के आए। मैंने फ़ोन करके बोला भी था कि जीजी बहुत बड़े कपड़े हैं, उनने पता क्या बोला, कोई बात नहीं नकुल को पहना दियो फिर उसके बाद नकुल के छोटे हो जाएँ तो केशव को पहना दियो। मैंने ये तो तुमने फैमिली प्लानिंग करके भेजा है पहले से ही, मतलब ऐसा होता है। मतलब पहले के लोग थोड़े बड़े ही कपड़े लेते थे और हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल नाप के कपड़े लेते हैं जो कि बहुत जल्दी छोटे भी हो जाते हैं। प्लेट होगी देखो तानी, प्लेट रखी होगी, थोड़ा सा पानी लगा आटा को जला तो रही है दीदी, हमें बेटा लग जाएगा उसमें, उसमें गिर जाएगा, रुको ना रुको, गिर जाएगा उसमें। इधर से क्यों ना रहे, उधर से ना रहे, जब बन बलून का है, बलून मम्मी बलून का है, बलून ना कोई बड़ा वाला लेके बैठी रहो, नहीं समय रुक जाओ, रुक जाओ मैं दे बैठ जाओ चलो चलो फूक मार, फूक मार, अरे उसकी टोपी हट गई, गंदी बात नहीं करने का है आज तो, हम बहुत वो करते हैं सही में समीर तो, ये चलो अभी नहीं लगा हमें, हां पानी मत, ये तो परमानंद चले जा, ये पर मंदिर लगा दी, मंदिर में, मंदिर में वहां लगा दो प्लेट में, भूख रहा भूखो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे कोई हाथ पकड़ लो, हैप्पी बर्थडे टू केशव, हैप्पी बर्थडे टू यू, कूलर चालू कर लो, कूलर चलो बलून फोड़ने को समय, ये बिजली
सारी दीदी ने लूट ली बताओ। दीदी शर्म ना आई तुम्हें? और देखा था प्लेट लेके बैठी तो ना मिली। मैंने तो भाई फोड़ा था, मैं तो सही आते सो मिली जाएगी। हां की सुनो सही बात, अरे दे दो से। तो चलिए फिर बर्थडे तो भैया जैसा तैसा मन गया है, बच्चे खुश हो गए, बस बच्चों को खुश करने के लिए हल्का फुल्का बर्थडे मना लेते हैं, ज़्यादा जोर की नहीं मनाती हूँ मैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए कमेंट करके बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।